हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीव के पार्ट 11 को शुरू करते हैं। इबो लगभग सोने ही वाला था, किसी ने उसे कंधे से हिलाकर जगा दिया। ये और कोई नहीं, ऑफिसर वांग थे, जिसने इबो को ये बताया कि कोई उससे मिलने आया है। इबो ने वहाँ पर जाकर देखा, उससे मिलने के लिए उसके डैड आए हुए थे। क्या तुमने अपनी सारी किताबें पढ़ ली? इबो के डैड ने पूछा। इबो ने सर हिलाकर मना कर दिया। कितनी बची हैं? उसके डैड ने पूछा। तो इबो ने जवाब दिया कि अभी 4 बची है। बेहतर होगा कि तुम उसे संडे से पहले ख़त्म कर दो, उसके डैड ने कहा। इस पर इबो ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और वो वहाँ से उठकर जाने लगा। तो उसके डैड ने कहा, रुको, मुझे और भी बात करनी है। ये वांग हाओशुआन कौन है? इबो चौंक गया। अगर उसके डैड को वांग हाओशुआन का नाम पता है, इसका मतलब उसके डैड जेल में भी उसकी जासूसी कर रहे हैं। मेरे सेलमेट का दोस्त है, इबो ने जवाब दिया। इस पर जेम्स वांग ने पूछा, तुम उससे क्यों मिलने गए थे? इबो ने कहा, मैं बस सेल से बाहर आना चाहता था। बिना कुछ काम किए बस खाली दीवार को ताकते रहना और ये बोरिंग किताबें पढ़ना, क्या आप समझ सकते हो कि मुझे कितना घटिया फील होता होगा? इबो गुस्से में बोला। इस पर जेम्स वांग ने कहा, इबो, मैंने कुछ वजह से तुम्हें यहाँ पर रखा है। बेहतर होगा कि तुम बाकी चीज़ों पर ध्यान न देकर अपने किताबों पर ध्यान दो। संडे से पहले तुम्हारी सारी किताबें पढ़कर पूरी हो जानी चाहिए, समझ आया? इबो अपने दांत पीस रहा था, लेकिन फिर भी सर हिलाकर उसने कहा, ठीक है। तुम्हारा सेलमेट कैसा है? जेम्स वांग ने पूछा। इबो चौंक गया। क्या उन्हें यह भी पता है? इबो सोचने लगा। पता नहीं, मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिला, इबो ने जवाब दिया। उसका नाम क्या है? जेम्स वांग ने पूछा। नंबर 686, मुझे उसका असली नाम नहीं पता, वैसे भी ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, इबो ने कहा। जेम्स वांग इबो के उत्तर से संतुष्ट हुआ। ठीक है, उससे दूर रहना। मैंने सुना है उसने किसी को मारा है और तुम्हें उसके साथ किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े में उलझने की ज़रूरत नहीं है, इबो चैन की सांस लेते हुए सोच रहा था। इसका मतलब वो सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे थे। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए पूछा, क्या अब मैं वापस जा सकता हूँ? तो उसके डैड ने कहा, रुको, इसे अपने साथ ले जाओ। उनके हाथ में एक स्क्रिप्ट थी। और भी? अब ये क्या है? इबो बोला। अभी तक उसने पहले की ही किताबें ख़त्म नहीं की थी। तब उसके डैड ने जवाब दिया, ये स्क्रिप्ट है, तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें करनी है ये इसमें लिखी है, साथ ही तुम्हारा आगे का शेड्यूल भी लिखा है, इसे भी याद कर लेना। मैं संडे को शाम 6 बजे तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। अब जेम्स वांग ने ऑफिसर वांग को इबो को वापस ले जाने का इशारा किया। वापस आकर इबो चुपचाप अपने बेड पर जाकर लेट गया। तब उसने पाया कि उसका तकिया वापस से रखा हुआ है। उसने बुदबुदाया, थैंक यू। उसके सोने से ठीक पहले उसे जवाब मिला, यू आर वेलकम। आज की तारीख 10 अप्रैल 2020। इबो ने जब आंखें खोली, शाओजान का चेहरा उसके आंखों के सामने था। वो जोर से चिल्लाया, ये तुम क्या कर रहे हो? जहन ने हंसते हुए कहा, मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम मरे तो नहीं, वैसे तुम रोज मुझसे जल्दी उठते हो, आज क्या हुआ? खैर छोड़ो, चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा ब्रेकफास्ट भी बचा लिया है। तुम तो खाने के बड़े शौकीन हो, इबो ने उसे भगाते हुए कहा और अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। तो जहन ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, खाना ही जिंदगी है, अगर कोई टेस्ट मुझे पसंद आती है तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, पता है तुम्हें? वैसे मेरा पसंदीदा खाना चिकन है। मेरे मुंह में तो पानी आने लगा है, मैं फिर से चिकन खाना चाहता हूँ, जहन ने कहा। तो इबो ने कहा, ऑफिसर वांग से मांग कर देख लो, शायद वो तुम्हें दे देंगे। कोई फ़ायदा नहीं, लगता है ऑफिसर वांग मुझसे नफ़रत करते हैं, जहन ने कहा। वो तुमसे नफरत नहीं करते, तुम बहुत ज़्यादा परेशान करते हो सबको, इबो ने कहा और वो अपना नाश्ता करने लगा। जान बस उसे घूरता रह गया जब तक कि उसका नाश्ता ख़त्म नहीं हो जाता। फिर बोला, अब तुम्हारा बाप क्या चाहता है? इबो की बहन सी कुड़ी, उसने कहा, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? इस तरह से तुमसे मिलने बस तुम्हारा बाप ही आ सकता है, ये जानने के लिए शर्लक होम्स बनने की ज़रूरत नहीं है, जान ने कहा। इबो ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस उन्होंने और रीडिंग मटेरियल दिया है, साथ ही कहा है कि मैं तुमसे दूर रहूं, और हाँ, संडे को वो मुझे लेने आ रहे हैं। तो क्या तुम मुझसे दूर रह पाओगे? जान ने पूछा। हम एक सेल में रहते हैं बेवकूफ़, हम एक दूसरे से दूर कैसे रह पाएंगे? वैसे भी
क्या हम दोस्त नहीं हैं? इबो ने कहा। ओ, तो तुमने ये मान लिया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जान ने खुश होकर कहा। तो इबो ने मुंह बनाते हुए कहा, नक चढ़ा। क्या फर्क पड़ता है, जान ने कहा। वैसे मुझे दिखाओ अब तुम क्या पढ़ने वाले हो। जान ने इबो के हाथ से वो कागज छीन लिया। तो इबो ने कहा, हे मुझे वापस दो, वो मेरे काम की चीज है। जान ने वो कागज उसे वापस तो नहीं दिया, बल्कि वो खुद ही उसे पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। फिर वो कागज को जोर से फेंकते हुए बोला, क्या बेवकूफी है, तुम्हारा बाप चाहता है कि तुम ये सब पढ़ो, वो भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने। जान ने गंदा सा मुंह बनाया था। ये वो उसे देखकर वो कागज लेते हुए बोला, वो चाहते है कि मैं ये सब याद करूं। तुम्हारा बाप पागल हो चुका है, शाहजहां ने कहा। फिर वो कैलेंडर उठाते हुए बोला, ये तो शेड्यूल है, और क्या तुम्हारी शादी 1 मई को है? ये सब मेरी चॉइस नहीं है, उन लोगों ने सब कुछ तय किया है, मुझे बस उसे फॉलो करना है। वैसे देखना तो क्या लिखा है, इबो ने कहा। जहन ने उसके हाथ में कैलेंडर थमा दिया, जो कुछ इस तरह से था, 13 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 9 बजे, 17 अप्रैल को प्रिंसेस और किंग के साथ शाम 6 बजे डिनर, 19 अप्रैल को वेडिंग गाउन का सिलेक्शन और साथ में वेडिंग वेन्यू का भी, फिर शाम को ईफे के साथ प्राइवेट डिनर, 24 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें म्यांमार का क्राउन दिखाया जाएगा, 26 और 27 अप्रैल को म्यांमार के रॉयल पैलेस को विजिट, 1 मई को चाइना में वेडिंग, 2 मई को इबो को म्यांमार में शिफ्ट होना था, 3 मई को म्यांमार में उसकी ताजपोशी की जाने वाली थी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 4 मई से 22 मई तक उसे कैरेबियन द्वीप में ईफे के साथ हनीमून मनाने जाना था। ये सब देखकर इबो की तो बोलती ही बंद हो गई। उन लोगों ने सब कुछ तय कर लिया था, वो भी बिना इबो से बात किए। उसका तो बहुत जोर से चिल्लाने का मन कर रहा था, लेकिन जेल में चिल्लाना मना था, इसलिए उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर लिया। क्या खाली दिनों में तुम अपनी मर्जी से रह सकते हो, जान ने पूछा। तो इबो ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा। जान ने कहा, क्या मैं नहीं पूछ सकता? इबो गुस्से में चिल्लाया, बेवकूफ, तुम्हारे दिमाग में बस इतना ही आया। सॉरी, जान ने कहा। तो इबो ने कहा, जाने दो, वैसे भी ये मेरी चॉइस है। फिर वो लेट कर छत की तरफ देखते हुए सोचने लगा, क्या इस सब का कोई अंत नहीं, क्या मैं यहाँ से कभी नहीं छूट सकता? चलो कम से कम मैंने जोई और युआन को तो बचा लिया, क्या पता वक्त के साथ मैं यूफे से प्यार करना भी सीख जाऊंगा। इबो इस हालत में भी अच्छाई के बारे में सोच रहा था, उसे अपने खुद के ख्यालों पर हंसी आ रही थी। हे, क्या तुम म्यांमार के राजसी शिष्टाचार सीखना चाहोगे, तभी जान अचानक से बोला। इबो ने कहा, हाँ, अरे मैंने बुक पढ़ी है ना, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, जान ने कहा। ठीक है, इबो ने कहा। तो फिर जान उसे राजसी शिष्टाचार सिखाने लगा। तुम्हें अपनी छाती फुलानी है, पेट अंदर लेना है और सीधे खड़े रहना है, ज्यादा सीधे भी नहीं, हम मिलिट्री में नहीं है। यस सर, कहते हुए इबो उसकी नकल करने लगा, फिर बोला, ये तो गलत है। जान ने कहा, गलत, क्या गलत लगा तुम्हें? तो इबो ने कहा, मेरे ख्याल से तुम्हें अपने बट को थोड़ा और पीछे करना चाहिए। ऐसे, जान ने पूछा। हाँ ठीक है, इबो ने कहा। मुझे नहीं लगता, मैंने बुक में ऐसा नहीं पढ़ा, जान ने कहा। तो इबो ने कहा, तुम बिल्कुल सही लग रहे हो, बिल्कुल सिंड्रेला की सौतेली बहन की तरह। क्या? जान ने हंसते हुए कहा। चलो मैं तुम्हें सिंड्रेला की सौतेली बहन बनकर दिखाता हूँ, चलो मुझे मेरे कपड़े वापस दो, कहते हुए जान ने इबो के शर्ट के एक स्लीव को फाड़ दिया। और हाँ, ये भी मेरा है, कहते हुए उसने दूसरे स्लीव को भी फाड़ दिया। इबो शौक से उभर आया और उसने जान के शर्ट का पीछे का हिस्सा फाड़ दिया। कुछ ही देर में उन दोनों के कपड़ों के चितड़े चितड़े हो चुके थे। तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो, ऑफिसर वांग ने अंदर आते हुए चिल्लाकर कहा। ओ ऑफिसर वांग, मैं इबो को राजसी शिष्टाचार सिखा रहा था कि वो म्यांमार में जाकर ये सब कुछ नहीं कर सकता। इबो, तुम म्यांमार में जब राजा बनोगे तब तुम कपड़े नहीं फाड़ सकते, ना ही खुद के फाड़ सकते हो, ना ही लोगों के, याद रखना। इस पर ऑफिसर वांग का मुंह देखने लायक था। इबो अब और अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया और जोर जोर से हंसने लगा। तुम दोनों के दोनों पागल हो, ऑफिसर वांग वापस जाते हुए बोले। जहान ने ऑफिसर वांग से कहा, ऑफिसर क्या हमें नए कपड़े मिल सकते हैं? हमारे कुछ फट से गए हैं,
फिर वो इबो की तरफ मुँह करके बोला, तुम्हें क्या लगता है क्या हमें पूरे नए कपड़े मिलेंगे? हो सकता है, क्योंकि वो ऑफिसर वांग हमें ऐसे तो बाहर घूमने नहीं देंगे, इबो ने कहा। चलो अब मुझे बताओ, तुम मुझे क्या पढ़ाना चाहते थे? इबो ने कहा। तो जहान ने कहा, मैं तो तुम्हें ठीक से पढ़ा रहा था, तुमने ही मेरा मजाक बना दिया। आगे के 2-3 घंटे जहान और इबो ने राजसी शिष्टाचार सिखाते हुए बिताए। कसम से इबो ने इतने मज़े अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किए थे। जब उनके नहाने का समय हुआ तब ऑफिसर वांग उन्हें बुलाने के लिए आए। जब दोनों नहाकर वापस आए, ऑफिसर वांग ने उन्हें नए कपड़े दिए, साथ में ये चेतावनी भी दी, अगर उन्होंने ये कपड़े फाड़े तो उन्हें दोबारा नए कपड़े नहीं मिलेंगे और उन्हें बिना कपड़ों के बाहर घूमना पड़ेगा। जान ने हंसते हुए कहा, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इबो तुम्हारा क्या? ये मत कहना शादी से पहले पब्लिक में नेकेड घूमना तुम्हारे बकेट लिस्ट में है, जहान ने हंसते हुए कहा। तो इबो चिल्लाया, बिल्कुल नहीं। जहान ने हंसते हुए कहा, अगर नहीं है तो अभी लिख लो, क्योंकि दोबारा तुम्हें ये मौका कभी नहीं मिलेगा। आपका क्या ख्याल है ऑफिसर वांग? वो ऑफिसर की तरफ मुँह करके बोला। इबो ने कहा, परवट कही के, और जहान को धक्का देकर सेल के अंदर भेजा, इससे पहले कि ऑफिसर वांग फिर से एक बार उन पर गुस्सा करे। जैसे ही वो दोबारा अपने बेड पर जाकर बैठा, वो फिर से किताब निकालकर पढ़ने लगा। मैं बोर हो गया हूँ, तभी उसे जान की आवाज़ आई। काफ़ी समय हो गया तुम्हारे मुँह से ये बात सुने हुए, वैसे सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें एंटरटेन करने के लिए, चाहो तो तुम दूसरी किताब पढ़ सकते हो, इबो ने बिना ऊपर देखे कहा। अच्छा कौन सी वाली बची है? जान ने पूछा। तो इबो ने कहा, पता नहीं, ये सभी किताबें डैड ने चुनी हैं, मैंने तो उन्हें खोलकर भी नहीं देखा था। जान आगे बढ़कर इबो के बैग में ढूंढने लगा। उसे जो किताब मिली वो देखकर उसके चेहरे पर एक नटखट मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराकर इबो से कहा, फाइनली मुझे ऐसा कुछ मिल गया जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, ये चीज़ पढ़ाने से ज़्यादा करके दिखाने में बेहतर है। वो किताब साइड में रखकर जान चुपचाप बैठ गया। जब इबो की किताब पढ़कर पूरी हुई तब जान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। इबो ने कहा, क्या हुआ? तो जान ने कहा, क्या अब मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ? आज के लिए बस इतना ही, जान इबो को क्या सिखाने वाला है ये तो सस्पेंस है। जानने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए वांग शयन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।